हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फ्रेजेस की जो घर के कामकाज से संबंधित हैं, घर के कामकाज में बहुत यूज़फुल होते हैं। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि सर कुछ ऐसे सेंटेंस लाओ घर के कामकाज से जुड़े हुए फ्रेजेस के बारे में हमें बताओ। तो आज की इस वीडियो में हम घर के कामकाज से संबंधित कुछ इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो हमारा पहला फ्रेज है वो है घर के कामकाज। जब हम घर के कामकाज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि घर के कामकाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बेसिकली जब घर के कामकाज को बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं होमवर्क या हाउस होल्ड वर्क जैसे शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम होमवर्क बोलते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल जैसी फीलिंग आती है, स्कूल के काम जैसी फीलिंग आती है। इंग्लिश में जो प्रॉपर घर के कामकाज के लिए फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हाउस चोर्स। यस, ने सही सुना, चोर्स, CHORES, हाउस चोर्स, घर के कामकाज। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 4 बजे तक घर के काम का समाप्त कर लूँगा। आई विल कम्प्लीट माई हाउस चोर्स अप टू 4 PM। नेक्स्ट फ्रेज है वॉश द डिशेस, बर्तन धोना। बर्तन की इंग्लिश जनरली हम यूटेंसिल भी बोलते हैं, क्रॉकरी भी बोलते हैं, बहुत से वर्ड होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड सीखते हैं, जब हम बर्तन धोने की बात आती है तो हमेशा क्रॉकरी या यूटेंसिल या पोट ना यूज़ करके हम वॉश यूज़ करते हैं। बट यस, ब्रिटिश इंग्लिश में हम वॉश द डिशेस की जगह डू द डिशेस भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, वह बर्तन धो रही है, सी इज़ वॉशिंग द डिशेस। और वी कैन से सी इज़ डूइंग द डिशेस, वो बर्तन धो रही है। तो आज के बाद आप कभी भी अगर बर्तन धोने की इंग्लिश कोई पूछेगा या इस्तेमाल करनी होगी तो यू विल यूज़ वॉश द डिशेस। चलिए अगले फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं। अगला फ्रेजेस बहुत ही काम का है, जिसे हम बोलते हैं कि झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना की होती है स्वीपिंग द फ्लोर। इंग्लिश में फर्श नहीं आता, लेकिन जनरली इंग्लिश में फ्लोर वर्ड इस्तेमाल होता है, क्योंकि झाड़ू हमेशा फर्श पे लगाया जाता है। झाड़ू को हम थोपड़े पे तो लगाएंगे नहीं, तो स्वीप द फ्लोर, झाड़ू लगाना। आज तुमने झाड़ू क्यों नहीं लगाया भाई, यू डिड नॉट स्वीप टुडे। और एक और सेंटेंस की बात कर सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं मैं तो झाड़ू लगा चुका हूँ या मैं तो झाड़ू लगा चुकी हूँ, आई हैव स्वीप द फ्लोर। स्वीप की सेकेंड फॉर्म स्विप्ट आ जाएगी। एक और घर के कामकाज से जुड़ा हुआ वर्ड फ्रेजेस देखते हैं, मॉपिंग द फ्लोर, पोंछा लगाना। मॉप मीन्स होता है पोंछा लगाना, तो वह पोंछा लगा रही है, सी इज मॉपिंग द फ्लोर। और आज पोंछा नहीं लगाया, He did not mop today. आज उसने पोंछा नहीं लगाया, Today he did not mop the floor. नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, मेक द बेड। जब भी हम शाम को खाना पीना खाने के बाद जनरली पिलो और बेड सब कुछ लगा के सोने का अरेंजमेंट जो करते हैं, सोने की तैयारी करते हैं, फिर पूरी रात पड़े रहते हैं, जो बिस्तर लगाते हैं उसको बोलते हैं मेक द बेड। यहाँ पे जब मेक वर्ड आता है तो हमको ऐसा लगता है कि बर्ड जैसे नहीं सारा अरेंजमेंट करके फर्नीचर ऑल अरेंज करके हम बेड को बना रहे हैं, लेकिन नहीं, मेक द बेड मीन्स होता है बिस्तर लगाना। जैसे मम्मी बिस्तर लगा रही है, मम्मी मेकिंग द बेड। तुम बिस्तर कब लगाओगे, व्हेन यू विल मेक द बेड। अगला एक और फ्रेजेस है, स्प्रेड द बेड शीट, लाल चादर बिछाना। जैसे आज लाल चादर बिछाओ, स्प्रेड द रेड बेड शीट टूडे। एक और फ्रेजेस की इस्तेमाल करते हैं, प्रिपेयर द मील, खाना पकाना। खाना पकाने से रिलेटेड आपने वैसे ही बहुत सी फ्रेजेस सुनी होंगी, लाइक कुक द फूड, बहुत इस्तेमाल है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ अपने आप को अपडेट कर रहे हैं इंग्लिश के साथ, तो आज के बाद आप हमेशा यूज़ करेंगे प्रिपेयर द मील। सिस्टर खाना बना रही है, सिस्टर इज प्रिपेयरिंग द मील टूडे। खाना कितने बजे बनेगा, व्हेन द मील विल बी प्रिपेयर्ड। तो इस तरीके से प्रिपेयर द मील, खाना पकाना। इसके अलावा एक और घर के कामकाज से जुड़ा हुआ फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, टाइडी अप द रूम, कमरे को साफ करना।
वह कमरा साफ कर रही है। सी इज टाइडिंग अप द रूम। जब टाइडी अप द रूम मीन्स होता है कमरा साफ करना। जब टाइडी को टेडी बियर से रिलेट मत करना। टाइडी अप का वर्ड सुनते ही कुछ लड़कियां टेडी बियर जैसी फील आने लगती हैं। टेडी बियर है ये तो बहुत अच्छी, नो टेडी बियर बहुत फेवरेट होता है, पसंद होता है, नो डाउट। बट यहाँ पर बात हो रही है टाइडी अप। टाइडी अप द रूम मीन्स कमरे को साफ करना। अगला एक और फ्रेसिस की बात करते हैं, वो है वाइप आउट द वेब्स। जाले मारना बहुत यूज़फुल होता है। जनरली घरों में छतों के आसपास जाले लग जाते हैं। जाले मारने को हम इंग्लिश में कहते हैं। जो फ्रेज यूज़ करते हैं वो होता है वाइप आउट द वेब्स। जैसे दीवारों से जाले मार दो। प्लीज़ वाइप आउट द वेब्स फ्रॉम द वॉल। तो आपको समझ गए होंगे वाइप आउट द वेब्स मीन्स जाले मारना। और आपने एक चीज़ और देखी, आजकल स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छता मिशन चल रहा है। हर कोई सफाई अभियान के साथ जुड़ना चाहता है, कूड़े को फेंकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कूड़े फेंकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो कूड़े फेंकने के लिए जो फ्रेसिस इस्तेमाल किया जाता है वो होता है थ्रो द ट्रैश अवे, कूड़ा फेंकना। जैसे तुम कूड़ा कब फेंकोगे, वैन यू विल थ्रो द ट्रैश अवे। यहाँ पर ट्रैश के मीन्स होता है कूड़ा। तो बेसिकली वेन एवर यू विल यूज़ की थ्रू द ट्रैश अवे, यानी कि कूड़ा फेंकना। इसके अलावा इन सब के अलावा एक और चीज़ के बारे एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब घर के कामकाज के बारे में बात करें। तो जो ये सब काम नहीं करता है, जो बॉस डिशेस भी नहीं धोता है या बेड भी नहीं लगाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कामचोर। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कामचोर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। कामचोर को अंग्रेजी में बोलते हैं डूडल। यू आर ए डूडल, आप कामचोर हैं। जब भी कोई काम नहीं कर रहा होता है तो आप उसे बोल सकते हो कि तुम तो डूडल हो, तुम तो कामचोर हो। तो ये था आज घर के कामकाज से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी फ्रेजेस बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। चाहे वो वॉश द डिशेस की बात हो, चाहे स्वीपिंग द फ्लोर की बात हो, चाहे मॉपिंग द फ्लोर की बात हो, झाड़ू पोछा लगाने की बात हो, चाहे टाइडी अप द रूम कमरे साफ करने की बात हो, चाहे जाले मारने की बात हो, चाहे वाइप आउट द वेब्स की बात हो, या थ्रो द ट्रैश अवे कूड़े फेंकने की बात हो, ये सभी सेंट फ्रेजेस आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे और आपकी डेली कम्युनिकेशन में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इन नए फ्रेजेस के बारे में, घर के कामकाज से संबंधित शब्दों के बारे में नॉलेज हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और उसके साथ में दी हुई बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम तक मिलता रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।